यहाँ पे गवर्नमेंट फैसिलिटी पे टेस्ट करने आ गए हैं। इन्होंने रूम दे दिया, तो ये हमारा रूम है। तो काफी सुना है रॉस आइलैंड के बारे में। मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा रुक जाओ, मैं एक वीडियो ले लूँ, इनसे रहा नहीं जा रहा है। तो हम आ गए हैं कॉर्बिन कोव्स बीच पे। डोंट रन, डोंट रन। तो गाइस हम आ गए हैं सेल्यूलर जेल के पास। पर हमें नहीं पता था कि हमारे कंट्री के फ्रीडम स्ट्रगल में इतनी ज्यादा सैक्रिफाइसेस और इतना ज्यादा हार्डशिप गया है। हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम हैं कोलकाता में, लेकिन अब यहाँ से हम निकल रहे हैं अंडमान्स के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। अब यहाँ से जाते हैं, पहले विराज को उठाते हैं और भागते हैं। बोर्डिंग टाइम हैज़ बीन अनाउंस्ड एंड हमें जाना है उस तरफ। बेटा उठो, मामू उठो, फ्लाइट फ्लाइट। हेलो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं अंडमान और अभी हम जा रहे हैं टेस्ट कराने, बेबी का टेस्ट। बेबी का फुल वैक्सीनेशन नहीं है, तो यहाँ पर रूल है कि अगर आपका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो आप टेस्ट कराने जाओ। तो हम लोग जा रहे हैं टेस्ट कराएंगे, बाकी मम्मा बाकी सब डायरेक्टली होटल गए। ओहो कोई नहीं, 2 मिनट्स में कर लेंगे। और ये रहा एयरपोर्ट। तो गाइस देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे जो है यहाँ पे गवर्नमेंट फैसिलिटी पे टेस्ट करने आ गए हैं। तो इनका टेस्ट हो गया और इनके हाथ में लग गया एक ठप्पा। आ जाओ, चलते चलते चलते, लेट्स गो। भूख लगी है। वी आर इन अंडमान और भैया हमें ऑटो में लेकर जा रहे हैं। वैसे रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन भैया हमसे थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं। अभी होटल पहुँच के बात करते हैं आपसे, बहुत थक गया। अभी रास्ता देखो पूरा, आप एंजॉय करो। तो गाइस हम लोग आ गए होटल, अभी बहुत तेज भूख लगी है, अभी भागते हैं, पहले खाना खाते हैं, देखते हैं। सो ये हमारे रूम का व्यू है। वाह, वहाँ से मुझे तो फील आ रहा है कि मतलब समंदर उस तरफ ही होगा। एनीवेज फाइनली रूम मिल गया। यहाँ पे स्टाफ बहुत शॉर्ट स्टाफ है, लेकिन जितने भी है बहुत स्वीट हैं। हमें उन्होंने रूम दे दिया, तो ये हमारा रूम है। ये मिल्क पाउडर बेटा, चाय कॉफी बनाने के लिए। मी गिव योर रूम टूर। ये रूम है और यहाँ पर क्या है, वॉशरूम। और ये हम फैला देंगे अभी यहाँ पे बेटा, सब चाय कॉफी बनाने की चीजें। तो गाइस चलिए फ्रेश होते हैं और थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो गाइस हम लोग अभी 1 घंटे का नैप ले लिए हैं, अभी 2 बज गया। तो आज हम पोर्ट ब्लेयर में हैं, तो हम अभी निकले हैं पोर्ट ब्लेयर की सैर करने। हम जाएंगे रॉस आइलैंड। तो काफ़ी सुना है रॉस आइलैंड के बारे में, तो चलिए वो पहले एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट हैव टू फिगर आउट कैसे जाना है। कौन है इसका नाम पूछो। आप पूछो। हाँ शिवांश, हाय करो शिवांश को। ये लोग यहाँ खेलना शुरू कर दिए, बच्चों को तो फ्रेंड्स मिल ही जाते हैं, उनकी मस्ती भी शुरू हो जाती है। हाय। तो गाड़ी हमारी आ गई है। प्लान में थोड़े से चेंजेस हो गए हैं, बिकॉज हम इनिशियली जो सोचे थे रॉस आइलैंड करने का, वो अभी हो नहीं रहा है। अभी हम उसको चेंज करते हैं, पहले भूख लगी है तो पहले खाते हैं। एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, वहाँ पहुँच के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलो सबको जोरों की भूख लगी है, जल्दी जल्दी चलते हैं लंच करने। बेटा आपकी आपका स्कूटर। तो हम आए हैं यहाँ न्यू लाइट हाउस रेस्टोरेंट। मरा दो। हाँ मरा दो। नहीं नहीं क्या करूँ। खाओगे तो लेते हैं। इनको शेलफिश एलर्जी है, तो ये खा नहीं सकते। आ जाओ। व्हाट फिश इज दिस। लास्ट में पापा बोल रहे हैं भेकटी है।
सुरमई है ना, इट्स नॉट बासा, द रेगुलर बासा का जो बनता है ना, शो शो द टेक्सचर। समझ पा रही हो ना इससे मैं क्या बोलना चाहूँ? मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा रुक जाओ, मैं एक वीडियो ले लूँ, इनसे रहा नहीं जा रहा है। बिरयानी फॉर विराज, ये यहाँ का यूनिक डिश है, इसे कहते हैं बाल्टी फिश। क्या है? स्नैपर, रेड स्नैपर। कैसी बिरयानी? बिरयानी अच्छी है, थोड़ा सा ड्राई है लेकिन ये मजेदार है। ये फिश बाल्टी फिश, सियर फिश, एक थिक ग्रेवी में। तो ये जो जगह है गुड फॉर सी फूड, सर्विस थोड़ा सा स्लो है एंड बाकी खाने ठीक ठीक ओके। तो हम आ गए हैं कॉर्बिन कोव्स बीच पे। वाओ नजारा देखिए, स्वागत है। मैंने बोला था जूते उतार दो, क्यों नहीं उतारे? देखो आराम से वॉकेबल है। नहीं मैं पूरा जूते उतार के मतलब पानी के मोड में जब आऊंगा तब बताऊंगा। वो तो शुरू हो गया। ये फ्लोटिंग ब्रिज है जिस पे हम जा रहे हैं। डोंट रन, डोंट रन। ये जो कॉर्बिन कोव है ये काफी सुंदर सा बीच है, स्काई है, जो सनसेट है, ओह माय गॉड। टेक्निकली जो सनसेट है वो वहां नहीं होगा, वो कहीं उस तरफ होगा, तो उसका लाइट बाउंस कर रहा है। एनीवेज यहाँ आप चिल कर सकते हो। तो गाइस हम आ गए हैं सेल्यूलर जेल के पास। ये तो पोर्ट ब्लेयर का अट्रैक्शन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। ये सेल्यूलर जेल का लाइट एंड साउंड जो शो है वो बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन है, तो हम यहाँ पे ये एक्सपीरियंस करने आए हैं। और अगर आप अंडमान आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा, यू विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट योर कंट्रीज हिस्ट्री। और यहाँ पे सारे स्टैचूज ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हैं, आप देख सकते हैं। सच कहूँ तो इनके बारे में ऑनेस्टली मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन आज उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ जानूँ और सीखूँ। हमारी कंट्री है ना इंडिया, हा? इंडिया के ऊपर पहले ब्रिटिश लोग रूल करते थे, तो इंडिया के फ्रीडम के लिए जो लोग लड़े थे उनको इस जेल में आकर बंद कर दिया था। तो ये स्टोरी उनके बारे में आपको पता चलेगा। हाउ इज द लाइट एंड साउंड? अमेजिंग, अमेजिंग। बहुत कुछ पता लगा अपने कंट्री के बारे में, कैसे कैसे जुल्म सहे हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने। तो गाइस यार सही में यार व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, काफ़ी कुछ जाना हम लोगों ने। बहुत बहुत यार, हमें नहीं पता था कि हमारे कंट्री के फ्रीडम स्ट्रगल में इतनी ज़्यादा सैक्रिफाइसेस और इतना ज़्यादा हार्डशिप गया है। हाँ, तो आप ये इंश्योर करें कि आपका पहले लाइट एंड साउंड शो देखें और फिर आप जेल घूमें, तब आपको अच्छे से सब पता चलेगा कि क्या क्या हुआ। चलिए लाइट बंद हो गया, सो लेट्स गो। आपने क्या देखा, आपने क्या सीखा? मैं कुछ नहीं अंडरस्टैंड किया। मैं कुछ नहीं अंडरस्टैंड किया। खाली आप बोलना। और गाइस हम होटल वापस आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक गए। डे वन इन पोर्ट ब्लेयर बहुत अच्छा गया, हम लोग काफ़ी जगह घूमे, देखे, बहुत पसंद किया, बहुत मज़ा आया। और अब हम सोने जा रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं। अगर आपने व्लॉग को इन्जॉय किया तो व्लॉग को शेयर करें, कॉमेंट करके बताएं कैसे लगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं डे टू इन पोर्ट ब्लेयर में, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।